level now, and with the introduction of Specialized Training Institute. So we are working on various areas so that we develop our skills in terms of content development, in structural design, in areas of assessments where we can specialize. We are already conducting a lot of pre-induction programs, soft skills training, and various related training, which we want to enhance it to a different level. And we want to mainly focus towards the banking and finance industry and work specialized courses in those things. पास जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग हॉल्स हैं, हमारे पास वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं, 120 रूम्स की हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है जो आप ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड आईटी लैब्स मौजूद हैं, दो लाहौर इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची के अंदर है, जहाँ पर जो है आईटी रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम अरेंज कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक अहम कंपोनेंट के तौर पर काम आ रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम रियाज चुनारा है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेक NBAF टू अ डिफरेंट लेवल नाउ, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो वी आर वर्किंग ऑन वेरियस एरियाज सो दैट वी डिवेलप आर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट, इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, in areas of assessments where we can specialize. We are already conducting a lot of pre-induction programs, soft skills training, and various related training, which we want to enhance it to a different level. And we want to mainly focus towards the banking and finance industry and work specialized courses in those things. जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग हॉल्स हैं, हमारे पास वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं, 120 रूम्स की हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है जो आप ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड आईटी लैब्स मौजूद हैं, दो लाहौर इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची के अंदर है, जहाँ पर जो है आईटी रिलेटेड We have 29 participants with us right now. Should we start or wait for like 2-3 minutes? I think we should wait for another 2 minutes. Okay.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम रियाज चुनारा है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेक NBAF टू अ डिफरेंट लेवल नाउ एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो वी आर वर्किंग ऑन वेरियस एरिया सो दैट वी डिवेलप आवर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिवेलपमेंट, इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, in areas of assessments where we can specialize. We are already conducting a lot of pre-induction programs, soft skills training and various related training, which we want to enhance it to a different level, and we want to mainly focus towards the banking and finance industry and work specialized courses in those things. जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग हॉल्स हैं, हमारे पास वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं, 120 रूम्स की हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है जो आप ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड आईटी लैब्स मौजूद हैं, दो लाहौर इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची के अंदर है, जहाँ पर जो है आईटी रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम अरेंज कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक अहम कंपोनेंट के तौर पर काम आ रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम रियाज चुनारा है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेक NBAF टू अ डिफरेंट लेवल नाउ एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो वी आर वर्किंग ऑन वेरियस एरिया सो दैट वी डिवेलप आवर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिवेलपमेंट, इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, in areas of assessments where we can specialize. We are already conducting a lot of pre-induction programs, soft skills training and various related training, which we want to enhance it to a different level, and we want to mainly focus towards the banking and finance industry and work specialized courses in those things. जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग हॉल्स हैं, हमारे पास वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं, 120 रूम्स की हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है जो आप ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड आईटी लैब्स मौजूद हैं, दो लाहौर इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची के अंदर है, जहाँ पर जो है आईटी रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम अरेंज कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एक अहम कंपोनेंट के तौर पर काम आ रहे होते हैं। Can you please raise your hands if you can see me and hear me? Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are going to formally start our session for today. Assalamualaikum everyone, and a very good afternoon to all of you. On behalf of National Institute of Banking and Finance, I welcome you all to this webinar today, which is being organized in collaboration with IOFI. NBAF is the training subsidiary of State Bank of Pakistan, and it has been playing its role in not only capacity building of State Bank and its subsidiaries,
but also the entire financial sector of Pakistan. We conduct regular training courses, workshops, seminars, webinars, and awareness programs on topics of emerging trends and issues of topical interest in different areas of banking and finance. Today's webinar is also part of the same series that is being organized, as I informed earlier, in collaboration with IOFI. IOFI is the leading international not-for-profit organization primarily responsible for development and issuance of standards for the global Islamic finance industry. So far, it has issued a total of 100 standards in the areas of Sharia, accounting, auditing, ethics, and governance for international Islamic finance. IOFI standards are currently being followed by the leading Islamic financial institutions across the world, including Pakistan. We are pleased to have with us today Mr. Farhan Noor, who is the head of Capacity Building Department, IOFI. He's also the secretary to the IOFI Education Board, project lead for the IOFI Code of Ethics project, and an associate editor of the IOFI Journal of Islamic Finance Accountancy. Mr. Farhan is the co-author of a book chapter titled Takaful as a Dedicated Wealth Management Tool for Euro Mining Publications. He has developed and delivered several courses and workshops for various institutions in different countries over the years on all topics related to Islamic finance, banking, takaful, and ethics. Mr. Farhan is also a certified ethics and compliance expert, having earned the Leadership Professional in Ethics and Compliance certification from Ethics and Compliance Initiative US, as well as the Certified Corporate Ethics Manager certification issued by Management and Strategy Institute of US. Today, he will help us in understanding and conceptualizing the idea of ethics and the conceptual framework of ethics and how does it work in Islamic finance. Before I pass on the control to Mr. Farhan, I would like to give a few instructions to the participants. As per webinar format, you will be muted in this session. However, you can type your questions and queries to the panelist in Q&A section. And for any other remarks or comments, you may use the chat section. Mr. Farhan may also be asking you a few questions and he'll share with you how can you respond to those questions. Over to you, Farhan. I will pass the control to you. Okay, thank you so much. Aap log meri screen dekh sakte hain, sir? Presentation? Ji, we can. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very good afternoon to all of you. I hope you all are comfortably seated, well settled and looking forward to this webinar. So without further ado, let's talk about ethics. Okay, ethics pe baat cheet karne se pehle main kuch 5 ya 6 bunyadi baatein aapse karna chahta hu. Pehli baat ye ki aaj se 5 ya 6 saal qabl AOFI ke governance and ethics board ne ye faisla kiya ki hum एथिक्स को बाकायदा तौर पे सही मायनों में प्रमोट करेंगे इस्लामिक फाइनेंस में. इसकी वजह बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास एथिक्स है और अखलाकियात की हम बात करते हैं और अमल करते हैं तो इस्लामिक फाइनेंस रहेगी. अगर हम एथिक्स का और अखलाकियात का जनाजा निकालते हैं तो इस्लामिक फाइनेंस की दुकान हमेशा के लिए हर जगह से, हर कंट्री से ख़त्म हो जाएगी. और ये बात हमने, इसकी कुछ झलकियाँ हमने कन्वेंशनल फाइनेंस इंडस्ट्री में देखी. 2007 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने एक कमीशन फॉर्म किया ये जानने के लिए कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है. और उस कमीशन की फाइंडिंग्स में हमें मालूम होता है कि बेसिकली दो बुनियादी वजूहात थी. एक वजह यह थी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो शख्स, इनफैक्ट हर शख्स गैर आइनी काम में मुलव्वस था और कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था. और दूसरी वजह यह थी लैक ऑफ एथिक्स, यानी कि क्यूबिकल से बोर्ड रूम तक हर दूसरा आदमी गैर अखलाकी काम में भी मुलव्वस था और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था. तो ये दो बुनियादी वजूहात उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस्टेब्लिश की. इसी वजह से AOFI के गवर्नेंस एंड एथिक्स बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स प्रोजेक्ट
कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और इसके बेसिकली चार डॉक्यूमेंट्स हमने इरादा किया चार डॉक्यूमेंट्स बनाने का। पहला डॉक्यूमेंट था कोड ऑफ एथिक्स फॉर इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स और ये डॉक्यूमेंट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2019 में ऑलरेडी इशू हो चुका है। हमें तकरीबन 3 साल लगे इसको बनाने में। हमने 59 फिजिकल इंटरव्यूज किए चार मुख्तलिफ ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है। हमने बेसिकली CEO से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की, डायरेक्टर से बात की, शरिया स्कॉलर से बात की, CFO से बात की और बाकी डिफरेंट हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनसे बात की, स्टाफ मेंबर से बात की, कंसल्टेंट से बात की, बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन से, हमने रेगुलेटर से बात की, हमने सबसे बात की ये जानने के लिए कि वो किस तरह एथिक्स को समझते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, क्या उनके नज़दीक एथिकल चैलेंजेस हैं इस्लामिक फाइनेंस में और किस तरह उनको ओवरकम किया जा सकता है। ये सब इंट्रोड्यूस करने के बाद 3 साल लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फाइनली ये स्टैंडर्ड इशू किया। दूसरा डॉक्यूमेंट है हैंडबुक। इस पर हमने काम अभी शुरू नहीं किया है। इसमें हम लोग बेसिकली कुछ केस स्टडीज या सिनारियोज बनाएंगे जो कि रियल और हाइपोथेटिकल दोनों हो सकती हैं और उससे हम इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स को, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गए, जो भी इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हम बताएं कि आप अगर अपने आप को किसी सिचुएशन में पाएं तो व्हाट वुड बी द करेक्ट एथिकल रिस्पॉन्स इन दैट गिवन सिचुएशन। तो इस डॉक्यूमेंट पे भी हम लोग इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट है गवर्नेंस स्टैंडर्ड ऑन एथिक्स। इस स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि हम इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बताएं कि क्या चेक्स एंड बैलेंसेज और कंट्रोल्स होने चाहिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पॉलिसी लेवल पे प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, और ताकि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सके, इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके, एक एथिकल कल्चर डेवलप कर सके, एक एथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप कर सके। इस स्टैंडर्ड पे हम तकरीबन 80% काम कर चुके हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट रेडी है, इट्स पेंडिंग द रिव्यू एंड द अप्रूवल ऑफ द गवर्नेंस बोर्ड, और जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह मई में, अगले महीने, तो ये पब्लिकली अवेलेबल भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और चौथा जो डिलीवरेबल है कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स प्रोजेक्ट का, वो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम बेसिकली इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बताएंगे कि आप किस तरह एथिकली कंप्लाइंट हो सकते हैं, यानी कि आपका विजन और मिशन स्टेटमेंट, आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स, आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और ऑपरेशंस, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका HR डिपार्टमेंट, ये सब किस तरह एथिकली कंप्लाइंट हो सकता है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड पे कुछ हद तक IFSB ने ऑलरेडी काम किया हुआ है और आई थिंक ये स्टैंडर्ड नंबर 9 है, IFSB स्टैंडर्ड नंबर 9। अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको ये फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारा इरादा ये कि हम IFSB के साथ कोलैबोरेट करें और एक जॉइंट रिवाइज स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाएं। ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि AOFI, अगर आप इस डॉक्यूमेंट की कॉपी हासिल करना चाहते हैं AOFI कोड ऑफ एथिक्स की, तो इट्स वेरी इजी। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सेस आवर वेबसाइट और वहां पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इसकी कॉपी और इस प्रेजेंटेशन की कॉपी निबाफ के साथ ऑलरेडी शेयर कर ली है। इंशाल्लाह इस आज या कल या इस हफ्ते इंशाल्लाह आपको दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। बाय द वे, ये है शक्ल और सूरत इस डॉक्यूमेंट की। इसमें कुछ टेक्स्ट है और कुछ डायग्राम्स भी हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, जितना हमारे पास वक्त अवेलेबल है, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तीसरी बात है कि हमने इस स्टैंडर्ड को किस तरह तरतीब किया है। इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसमें हमने डिफाइन किया है कि एथिक्स होता क्या है और आप किस तरह एथिक्स को समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, और क्या एथिकल वैल्यूज हैं जो कि इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल को अडॉप्ट करनी चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस का जिक्र है कि अगर आप इन सिचुएशंस में अपने आप को पाएं तो आप किस तरह उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये पार्ट ए है। पार्ट बी कुछ वायलेशंस डिफाइन करता है जिसको आपको अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू बी एथिकल, और पार्ट सी कुछ आइडियल्स की बात करता है जो कि आपने परसू करनी है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अच्छा, दिस स्लाइड इज ओनली फॉर रीएम्फेसिस पर्पसेस।
मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसकी टारगेट ऑडियंस एओफी कोड ऑफ एथिक्स की आप लोग हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये कोड बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स को बता रहा है कि हाउ दे कैन कंडक्ट देमसेल्व्स इन एन एथिकल मैनर, ठीक है। ये कोड ये नहीं बता रहा कि हाउ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कंडक्ट देमसेल्व्स एथिकली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है कि आप लोगों को, चूंकि हम लोग सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को ये कोड अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे तो ये वॉलेंट्री बेसिस में है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग को ये कोड अडॉप्ट करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि द बेसिस ऑफ दिस कोड इज नथिंग बट कुरान एंड सुन्ना। तो whether you adopt this code or not, the requirements of this code is applicable on you, given the fact that you are a Muslim, and you will be held liable and accountable for those requirements, either in this world or in the hereafter, by Allah subhanahu wa ta'ala, without any shadow of doubt. So it's better that you adopt the code. And one of the way of adopting this code is to put it on your LinkedIn post, as a Facebook post, or your Instagram, or any other social media page, that from now onwards, you have officially adopted the code of ethics issued by IOFI in your professional capacity. ठीक है? Okay. अच्छा, आप लोग इस वेबिनार में किस तरह शिरकत कर सकते हैं? वैसे तो आप लोग माशाल्लाह Zoom के ज्वाइन बटन क्लिक कर चुके हैं और आप लोग सब माशाल्लाह कनेक्टेड हैं मुझसे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो जिसमें सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, और ये भी ना हो कि आप लोग सिर्फ बात कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ, कुछ मैं बात करूँ, कुछ आप बात करें, कुछ मैं सुनूँ, कुछ आप लोग सुने। सो उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करेंगे। आपको इस वक्त ये करना है कि आप एक ब्राउजर खोलें, और ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, आप अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आपके पास अगर अपना मोबाइल फोन है तो आप उसके जरिए आप अभी इसी वक्त फौरन आप लोग कनेक्ट हुए, आप लोग अपने एड्रेस बार में ये URL लिखें, ये आपको नजर आ रहा होगा classpoint.app/join, ठीक है। जब आप ये लोग ये आप लिखेंगे, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर दो इनपुट फील्ड्स आएंगी जिसमें क्लास कोड आपको लिखना होगा और आपको अपना नाम लिखना होगा। तो क्लास कोड है इसका 15921, एंड दिस इज रिटन ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर साइड ऑफ योर स्क्रीन, ओके 15921। अच्छा, दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। आप अपना क्लास कोड लिखें और अपना असली नाम लिखें, असली और पूरा नाम लिखें। चले पूरा नाम ना लिखें, अपना फर्स्ट नेम ही लिख लें, लेकिन आई होप एवरीबडी इज एबल टू डू दिस, ओके। क्योंकि आगे जाके जो हम कॉन्सेप्ट चेकर्स करेंगे, MCQ स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप लोग का इनपुट इस टेक्नोलॉजी के जरिए आएगा। 13 लोग 14 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम टेस्ट आउट भी कर लेते हैं। ये एक MCQ क्वेश्चन है, इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड इन योर ब्राउजर। आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यस और नो। अब जब मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, मल्टीपल चॉइस बटन पे, तो आपके पास एक जरिया आएगा आपको अपना रिस्पांस देने का, ठीक है। आपके पास 15 सेकेंड है। ठीक है, तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूं। 6 लोगों ने कहा है कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, और बाकी सब भी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कनेक्ट हो चुके हैं और बड़ी आसानी से ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सही मायनों में वेबिनार शुरू करते हैं। सबसे पहले है पार्ट ए, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोग 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो सबसे पहले एक MCQ क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि मैं इस सिनेरियो को पढ़ूं, मैं आपको ऑप्शंस समझाऊं, और फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं ताकि आप अपना रिस्पांस रजिस्टर कर सकें। तो इस सिनेरियो के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जो कि एक CFO को हायर करते हैं, और हायर करने के बाद उनको एक काम देते हैं कि ये काम करना है। कुछ भी काम हो सकता है, मगर वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा काम कॉन्ट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा काम वो क्वेश्चनेबल है।
वो CFO वो काम डेलीगेट करते हैं अपने असिस्टेंट को और कहते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह तमीज से हक अदा करके ये काम करना, और अगर करोगे सही मायनों में तो तुम्हारा इसमें फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, ठीक है। अब सवाल ये, द असिस्टेंट शुड कैरी आउट द टास्क बिकॉज, वो क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या रीजन है, क्या रैशनल है, क्या जस्टिफिकेशन है जो कि असिस्टेंट यूज करके ये काम कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए ये है कि रीजन ये है, जस्टिफिकेशन ए ये है कि इट इज गारंटीड दैट द बेनिफिट्स वुड आउटवे एनी पोटेंशियल कॉस्ट, यानी कि उस काम करने का फायदा उसके नुकसान से ज्यादा है इसलिए ये काम करना चाहिए। बाय द वे मैंने देखा है कि somebody raised his or her hand, मैं ये बता दूं कि आप लोग जवाब देंगे थ्रू द टेक्नोलॉजी, ओके। आई हैव नॉट येट स्टार्टेड दैट MCQ boxes yet. अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन बी है, देर आर नो मटीरियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन व्हाटसोएवर, यानी कि इसका कोई नुकसान है ही नहीं अगर ये वो काम करे, असिस्टेंट अगर ये काम करता है इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ऑप्शन सी ये है कि इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू इम्प्रेस द CFO एंड इम्प्रूव हिज रेपुटेशन एज वेल एज सिक्योर अ प्रमोशन सैलरी इंक्रीमेंट एंड अ बोनस। ऑप्शन डी ये है कि इवन दो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल और क्वेश्चनेबल, मगर ये परफेक्टली लीगल एक्शन है, ओके, दिस इज अ लीगल एक्शन, दैट्स व्हाई द असिस्टेंट शुड कैरी आउट द टास्क। ऑप्शन ई ये है कि इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस एक्सेप्ट टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, उसका काम है काम करना, उसका काम ये नहीं है ये जानना कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्वेश्चनेबल है, या ये है या वो है। ऑप्शन एफ ये है कि इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर बाय अदर्स, ये कोई ऐसा काम नहीं है, अजीब काम नहीं है, अनोखा काम नहीं है जो कि दूसरों ने पहले कभी ना किया। आई एम इन अ वर्कशॉप सो आई विल बी लेट, टू आई विल नॉट पार्टिसिपेट, ओके ओके। सो नाउ आई एम एक्टिवेटिंग द मल्टीपल चॉइस बॉक्स, यू हैव 1 minute टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। By the way, अगर आप कोई स्पेसिफिक कमेंट देना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे तो यू कैन यूज द चैट बॉक्स प्रोवाइडेड बाय ज़ूम। मैं क्योंकि पैनलिस्ट हूं तो मैं वैसे वर्बली भी कह सकता हूं, 1 minute तो बहुत ज्यादा होता है। बस 25 seconds रह गए। Yes. जी जी। Best second. Okay, अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। 57 पीपल चोज ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर, यानी कि आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स समझ रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम देख लेते हैं विच एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद 24% जो है बी, यानी कि डी या बी, ओके। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस ऑप्शन में बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई काम का फायदा उसके नुकसान से ज्यादा है तो वो एथिकल है, अगर उस काम का फायदा उसके नुकसान से कम है तो वो अनएथिकल है। दिस इज अ कंप्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच टू एथिक्स, दिस इज नॉट हाउ एथिक्स वर्क, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत है और इसमें बेसिकली कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की बात हो रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप प्रोसेस को ना देखें, आप एंड रिजल्ट को देखें, आप आउटकम को देखें, आप रिजल्ट को देखें। अगर आउटकम प्रॉफिटेबल है, सक्सेसफुल है तो वो एथिकल है, अगर आउटकम जो है नेगेटिव है, उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो अनएथिकल है। दिस अगेन इज अ कंप्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच टू एथिक्स, दिस इज नॉट हाउ एथिक्स वर्क। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन सी में बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है और इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई काम का फायदा आपको पर्सनली हो रहा है तो एथिकल है, अगर आपको पर्सनल उसमें फायदा नहीं हो रहा है तो अनएथिकल है। दिस इज अ कंप्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच टू एथिक्स, दिस अगेन इज नॉट हाउ एथिक्स वर्क। ऑप्शन डी, और 57% लोगों ने कहा कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ये भी गलत आंसर है।
just because something is legal doesn't necessarily mean it's ethical as well. And just because something is illegal doesn't necessarily mean it's unethical as well. So for example, agar hum riba ko le aur hum isko legalize kar le to kya wo ethical ho jayega? Nahi hoga. So this again is a completely incorrect approach to ethics. This is not how ethics work. Option E bhi galat hai. Option E basically neutrality ki baat kar raha hai. Wo ye keh raha hai ki mere aage piche niche upar jo bhi ho raha ho, jo kar raha ho, jo bhi kar raha ho, meri bala se. मैंने न्यूट्रल लेना है, मैंने किसी की साइड नहीं लेनी. दिस अगेन इज नॉट हाउ एथिक्स वर्क. और ऑप्शन एफ भी गलत है. और इसमें बेसिकली स्टेटस को की बात हो रही है. स्टेटस को इसमें यह कहा जाता है कि अगर दूसरा शख्स फला काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो जायज है, हलाल है आपके लिए भी. मतलब जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, इट बिकम्स परमिसिबल फॉर यू. दैट इज अ कम्प्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच टू एथिक्स. ऐसे एथिक्स काम नहीं करता. तो ये सारे जवाब गलत हैं. तो सही जवाब क्या है? सही जवाब ये है कि द असिस्टेंट शुड कैरी आउट द टास्क इफ इट्स एथिकल थिंग टू डू. अगर जो काम उसको दिया गया है वो एथिकल है तो वो काम करे. अगर वो एथिकल नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता. ठीक है. इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, लीगैलिटी, न्यूट्रलिटी, स्टेटस को, दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर रॉन्गली यूज्ड टू जस्टिफाई योर एक्शन एज एन एथिकल एक्शन. ठीक है. अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एथिक्स. ओके, व्हाट इज एथिक्स. अगेन मैं आपको एक मिनट देता हूं, आप एक बहुत मुख्तसर सा आंसर मुझे लिखकर भेजें. ओके, शुरू हो चुका है. एक छोटे से सेंटेंस में आप सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश करें व्हाट एथिक्स इज फॉर यू. हाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स? हाउ डू यू कॉन्सेप्चुअलाइज द आइडिया ऑफ एथिक्स इन योर माइंड? हाउ डू यू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स? हाउ डू यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स? एथिक्स है क्या? ओके, एक जवाब मेरे पास आया, डूइंग व्हाट इज राइट. हुमेरा कह रही है एथिक्स इज गुडनेस एज पर शरिया, यानी कि जो शरिया कहे वो एथिक्स है और जिस चीज को शरिया इम्परमिसिबल कहे तो वह अनएथिकल है. मोहम्मद सिद्दीक या सादिक वो कह रहे हैं इट्स अ मॉरल प्रिंसिपल. मुजम्मिल मॉरली करेक्ट. अलाम सेब, एथिक्स इज वॉट इज राइट एंड रॉन्ग. मोहम्मद नदीम कह रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज कीपिंग इन व्यू बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. ये तो मुझे लग रहा है आपने गूगल से कट कॉपी पेस्ट करके मुझे भेजा है. Just on a lighter note, Amjad Ali Saab, ethics is based on well-founded standards of right and wrong that prescribes what humans ought to do. I'm sure this is taken from Google, right? okay, these are moral principles to guide oneself. Amjad Saab, Amjad Iqbal Saab, Rafi keh rahe hain ki ethics which externally or internally satisfies you. Which is good for major part of society. Amir, Sikandar Inam keh rahe hain ethics is activity which is acha. By the way, ye sab main insert bhi to kar sakta hu, aapko slide dikha deta hu. Okay, to ye aapko kuch answers nazar aa rahe hain jo mujhe receive hue hain. ठीक है. अब कोड ऑफ एथिक्स को देखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स किस तरह डिफाइन करता है. कोड ऑफ एथिक्स कहता है एथिक्स इज ऑल अबाउट अचीविंग अदल एंड परसुइंग एहसान. इफ यू अचीव अदल इन योर वर्क एक्टिविटी इन वट एवर यू आर डूइंग यू आर एथिकल. इफ यू फेल टू अचीव अदल इन वट एवर यू आर डूइंग इट्स अनएथिकल. ठीक है, ये डेफिनेशन है एज पर द एओपी कोड ऑफ एथिक्स. अब अदल की अदल को हम डिफाइन कर लेते हैं. अदल को हम डिफाइन कर लेते हैं. अदल इज बेसिकली जस्टिस और उर्दू में मेरे ख्याल से इसको इंसाफ कहेंगे. इट्स ऑल अबाउट पुटिंग समथिंग और समवन इन इट्स राइटफुल प्लेस और पोजीशन. सो अगर आपको 9 बजे इस्लामिक बैंक पहुंचना है, 9 बजे सुबह के, रात के नहीं, सुबह के 9 बजे अगर आपको पहुंचना है और आप पहुंच जाते हैं टाइम पे, तो आपने अदल अचीव कर लिया अपने टास्क. ठीक है, और ये मिनिमम बेंचमार्क है, दिस इज मैंडेटरी, ये तो आपने करना ही करना है. अगर आप नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो आपने जुल्म किया. जुल्म इज अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ अदल. ओके, अगर आप अदल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जुल्म कर लिया है.
और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म एओपी कोड ऑफ एथिक्स में एहसान है। एहसान यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अदल तो आप हासिल करें ही करें, उसको और खूबसूरत तरीके से करें और बेहतर करें और बेहतरीन से बेहतरीन काम उसको करें। अगेन ये एस्पिरेशनल एस्पेक्ट है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, फर्ज नहीं है। अच्छा, इसको आप समझना कैसे, एथिकल पैराडाइम को अपने जहन में किस तरह आपने फिक्स करना है। एथिकल पैराडाइम इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ग्राफ। एक्स वाई ग्राफ आपको पता है क्या होता है, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई इज द वर्टिकल एक्सिस, और इसको डिवाइड किया पॉजिटिव वाई में और नेगेटिव वाई में। तो एक्स एक्सिस जो है ये लाइन ऑफ अदल है। अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे जाएं यानी कि नेगेटिव वाई में जाएं तो दिस इज द एरिया ऑफ जुल्म, अगर आप इसके ऊपर जाएं लाइन ऑफ अदल के दिस दैट वुड बी द एरिया ऑफ एहसान। इसमें अब चार इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली बात ये कि एज एन इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल यू मस्ट बी ऑन द लाइन ऑफ अदल। ओके, हर सूरत में अपने आप को जो काम आप कर रहे हैं लाइन ऑफ अदल पे आप बरकरार रहे। अगर आप लाइन ऑफ अदल से नीचे आते हैं तो इट मींस दैट यू हैव कमिटेड जुल्म। अगर अब आप लाइन ऑफ अदल के ऊपर जाते हैं तो इट मींस दैट यू हैव अचीव्ड एहसान। दूसरी बात, जो भी आप काम करें उसमें आप अदल को टारगेट ना करें, एहसान को टारगेट करें, ठीक है। अगर आप अदल को टारगेट करेंगे और आप अगर 1% भी मिस करते हैं अदल की लाइन को तो आप कहां गिरेंगे, आप एरिया ऑफ जुल्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एहसान को टारगेट करते हैं अपने हर काम में और एहसान को आप 100% भी अगर मिस करते हैं, 100% भी मिस करते हैं तो आप कहां गिरेंगे, आप फिर भी लाइन ऑफ अदल पर ही रहेंगे। ये दूसरी बात, कलर बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, जब भी आप अपने आप को देखें कि आपने जुल्म किया है फौरन आप लाइन ऑफ अदल की तरफ वापस आए। ओके, क्योंकि मसला ये है एथिक्स के अंदर, अगर आप एक गलत काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने झूठ बोला, तो उस झूठ को बचाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को बचाने के लिए आपको तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप पैसे किसी के चोरी करते हैं तो आप पहले तो झूठ बोलेंगे कि आपने नहीं किया, फिर उसको बचाने के लिए आप एक और झूठ बोलेंगे, फिर आप एक गलत विटनेस लेकर आएंगे उससे भी झूठ बुलवाएंगे। तो एक गलत काम से आप 4, 5, 10,000 और भी आप गलत काम करेंगे। तो आप जैसी जुल्म करें आप फॉरन यू मस्ट डू समथिंग टू गेट बैक टू द लाइन ऑफ अदल। दिस इज द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज दैट दिस लाइन ऑफ अदल इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीबॉडी। ओके, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी या ज्यादा रिसोर्सेज है। तो अगर एक कंपनी पॉलिसी है जो कि गैर अखलाकी पॉलिसी है, ओके, सीईओ के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो उस पॉलिसी को चेंज कर सकता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट लाइन ऑफ अदल बहुत ऊपर होगी। लेकिन एक स्टाफ मेंबर है जिसके पास एक अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए, तो वो सिर्फ क्या कहेगा, उसको बुरा वाला ही कहेगा अपनी जबान से या अपने दिल में कहेगा। और ये बात हमने हदीस मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रखी है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम एक गलत काम देखो, एक बुरा काम देखो तो अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट दिल में उसके बारे में बुरा भला कहो। तो द पॉइंट हियर इज दैट द लाइन ऑफ अदल इज नॉट फिक्स, इट्स वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी एंड द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल। ये चार बातें आपने याद रखनी है एथिकल पैराडाइम। तो दिस रैप्स अप पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन वाज व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स इज ऑल अबाउट अचीविंग अदल एंड परस्यूइंग एहसान। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, हमने बात की कि एथिक्स इज ऑल अबाउट अचीविंग अदल। So the million dollar question is how can you achieve adal? Okay, how can you achieve adal? Again, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, मुख्तसर मुझे आप जवाब दें कि what do you think how you can achieve adal in your professional life? अच्छा, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा, फाइनली दो जवाब आ गए। टू डू टास्क ऑन राइट वे एज पर शरिया। ओके, टारगेटिंग एहसान इन दैट एरिया। मोहम्मद नईम,
शाहिद नदीम साहब कह रहे हैं कि बाय डूइंग व्हाट इज राइट एंड परमिसिबल अंडर गिवन एसओपीस। सिकंदर इनाम साहब कह रहे हैं कि व्हाइल डूइंग प्रायोरिटीज टू गुड साइड एंड रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव साइड बाय अचीविंग एहसान। अब्बास अली खान। मोहम्मद सादिक, बाय कंप्लीशन टास्क अप टू अ मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, 5 सेकेंड और। ओके, आप लोग ये सब रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी, और मैंने पढ़ के सुना भी दिए। अच्छा, ओके। अच्छा, एओफी कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं। एक इक्वेशन देता है, अदल एंड एहसान इक्वेशन, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एओफी कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि इफ यू वॉन्ट टू अचीव अदल इन वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू फुलफिल दीज 4 रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 रिक्वायरमेंट्स ये हैं। नंबर 1, यू नीड टू हैव द राइट इंटेंशन एंड द राइट माइंड सेट। नंबर 2, यू मस्ट डू द राइट थिंग, जिसका आई थिंक काफी लोगों ने लिखा। रिक्वायरमेंट नंबर 3 इज यू मस्ट डू द राइट थिंग इन द राइट मैनर। और नंबर 4 है यू मस्ट इंगेज विद अदर्स पॉजिटिवली। अगर इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करते, इररिस्पेक्टिव वेदर यू फुलफिल द रिमेनिंग 3 रिक्वायरमेंट्स, यू आर नॉट एथिकल, यू हैव नॉट अचीव अदल। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम करूँ और मेरी नीयत ये हो कि मैं इससे बदला ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एथिकल एक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी नीयत गलत है। नीयत गलत है चाहे आप सही भी काम कर रहे हो, तो ये अनएथिकल है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपकी नीयत सही हो, आप सही काम सही तरीके से कर रहे हो और आप इंगेज विद अदर्स पॉजिटिवली भी कर रहे हो, मगर आप काम गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू आर स्टीलिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग टू द पुअर, ओके, इफ यू आर स्टीलिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग टू द पुअर, और नीयत है अल्लाह सुबहान व तआला की खातिर और गरीब लोगों की मदद के लिए, तो नीयत भी आपकी ठीक है, आप डूइंग इट इन द राइट मैनर, आप सही तरीके से पैसे दे भी रहे हो, चोरी का पैसा, and you are engaging with others positively as well, at least for those poor people who are receiving the money, they are being treated positively. magar aap kya kaam sahi kar rahe ho, chori karna kya sahi kaam hai, galat kaam hai, iska matlab ye hua ki you have to fulfill all these 4 elements in order to achieve adal. again ye equation aap please hifz kar le, okay, how can you achieve adal, you have to fulfill these 4 requirements. अच्छा, राइट इंटेंशन होती क्या है? राइट इंटेंशन ये है कि जो काम करें अल्लाह सुबहाना व ताला के लिए करें, ठीक है। राइट माइंडसेट ये है कि आप अल्लाह के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखें। डूइंग द राइट थिंग, सही काम क्या है? सही काम वो है जो भी काम शरिया ने और लॉ ऑफ द लैंड ने सही कहा, वो सही काम है, ठीक है। Doing the right thing in the right manner, सही काम सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसके 3 parts हैं। पहला part ये है कि आपकी जो field of expertise है, for example अगर आप marketeer हैं, तो you have to be proficient in marketing. अगर आप accountant हैं, you must be proficient in accounting. Okay, you must achieve absolute mastery in your field of expertise. दूसरी चीज ये है कि जो आप सही काम कर रहे हैं सही वक्त पर भी करना है। तो अगर आज सच बोलना है और आप 10 साल के बाद सच बोल रहे हैं, यू हैव नॉट डन द राइट थिंग इन द राइट मैनर। एक्चुअली यू हैव डन द राइट थिंग बट नॉट एट द राइट टाइम। जो आपने एटलीस्ट सच बोला, लेकिन सच बोलना इज वन कंडीशन और सही वक्त पर सच बोलना ये दूसरी कंडीशन। तो टाइमलीनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग द राइट थिंग इन द राइट मैनर। और फिर तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी कि ये ना हो कि आप आज सच बोल रहे हो, कल झूठ बोल रहे हो, परसों जो है आप कुछ भी ना बोल रहे हो, न्यूट्रल रह रहे हो, और चौथे दिन आप फिर वापस सच बोल रहे हो, पांचवें दिन फिर झूठ बोल रहे हो, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी तरह ऐसा भी ना हो कि आप प्राइवेट लाइफ में कुछ और हो, पब्लिक लाइफ में कुछ और हो, ये अगेन कंसिस्टेंसी नहीं है। एंड हाउ डू यू एंगेज विद अदर्स पॉजिटिवली, इसकी 2 बातें, एक तो आप किसके साथ एंगेज हो सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि जो आपके कलीग्स हैं, आपके जो सेम लेवल पे हैं और जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनके साथ इंगेज हों पॉजिटिवली, उनके साथ आप हो सकते हैं, उनकी आप तरबियत कर सकते हैं, उनको आप सही और बुरे की तमीज सिखा सकते हैं बगैर किसी खौफ और डर के। लेकिन अगर आप अपने किसी ऊपर को अप्रोच करते हैं और उसको कहते हैं कि आपने गलत काम किया, वैसे तो बात सही है, इसी तरह आपको करना चाहिए, लेकिन
sometimes the situation becomes very difficult to handle. The second part is how do you engage? Hikmat se kaam lena hai. Kya bolna hai, kab bolna hai, kaise bolna hai. Ye bhi ek art hai, ye science hai, ye aapko aani chahiye. Okay? And you must become a role model as well. Agar aap दूसरे को तलकीन कर रहे हैं सच्चाई की तो आप खुद भी तो सच बोले और रोल मॉडल बने सच्चाई का. ठीक है, दिस वॉज आवर डिस्कशन ऑन अदल एंड एहसान इक्वेशन एंड द बिग क्वेश्चन दैट वी वर आंसरिंग वाज हाउ कैन यू अचीव अदल. ओके, हाउ कैन यू अचीव अदल. और हमने कहा कि यू नीड टू अपहोल्ड दिस फोर एलिमेंट्स ऑफ द इक्वेशन. नंबर वन, यू मस्ट हैव द राइट इंटेंशन इन द राइट माइंड सेट. यू मस्ट डू द राइट थिंग. यू मस्ट डू द राइट थिंग इन द राइट मैनर एंड यू मस्ट एंगेज विद अदर्स पॉजिटिवली. अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का. हाउ कैन यू मेंटेन अदल इन ऑल वर्क एक्टिविटीज. अच्छा, अचीविंग अदल इज अ वन ऑफ इवेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑफिस ज्वाइन करना है 9 बजे सुबह के, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं बट दैट्स इट, खलास, बात कंप्लीट हो गई, आप यू हैव अचीव्ड अदल, गेम ओवर. मगर हाउ कैन यू मेंटेन अदल ऑन 24/7/365 बेसिस इन योर इंटायर प्रोफेशनल लाइफ. ये डिफरेंट चीज है. ओके, इसका मैं एमसीक्यू नहीं करता, मैं इसका जवाब आपको डायरेक्टली देता हूँ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम. बेसिकली हम ये कह रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है कि आपके 6 एथिकल वर्च्यूज हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना है. तकवा, तवक्कुल, सिद्क, अमाना, कुवा, तवासी, बिलहक. ये 6 एथिकल वर्च्यूज हैं विच एवरी इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल, एनी पर्सन इज वर्किंग इन इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री, मस्ट अपहोल्ड इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स एटलीस्ट. इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तकवा क्या है? तकवा बेसिकली है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, जो आप बोल रहे हैं अल्लाह सुन रहे हैं और इसका हिसाब होगा. This is taqwa. तवक्कुल यह है कि आप अपनी तरफ से जो भी काम करें बेहतरीन तरीके से करें और उसका आउटकम अल्लाह सुभान व तआला के पास छोड़ दें. अगर आउटकम इज एज पर द एक्सपेक्टेशंस, बी थैंकफुल अबाउट इट. इफ द आउटकम इज अगेंस्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, देन बी पेशेंट अबाउट इट. ओके, दिस इज तवक्कुल. सिद्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल वर्च्यू. सिद्क एंड अमाना, एक्चुअली दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरह आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था, और उस उनके दोस्त नहीं कह देते, उनके दुश्मन कहते थे. तो दिस इज अ ह्यूज थिंग. इफ योर एनिमीज अप्लॉड यू फॉर समथिंग विच इज ह्यूज, तो सिद्क के अंदर बेसिकली आपको सच बोलना है, हर चीज में सच बोलना है. माना कि अगर आप पर किसी ने भरोसा किया है, उस भरोसे की क्या कहेंगे, लाज रखनी है, उस भरोसे की लाज रखनी है. तो जब आप एक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं एज एन एम्प्लॉई, तो कुछ आपको स्टाफ और सबऑर्डिनेट्स असाइन होते हैं. स्पेशली इफ यू आर अ मैनेजर, यू गेट टू हैव फ्यू पीपल हु आर रिपोर्टिंग टू यू. वो स्टाफ और सबऑर्डिनेट्स अमाना है, उनके आप किस तरह काम लेते हैं ये अमानत है. ठीक है, अगर आप सही तरह उनसे काम लेते हैं तो आप अमाना का हक अदा करते हैं, वरना आप अमानत में खयानत करते हैं. इसी तरह कंपनी आपको कुछ एसेट्स देती है, कुछ पैसे हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है. आपको लैपटॉप दिया जाता है, आपको प्रिंटिंग मशीन दी जाती है, फोन दिया जाता है, ये भी एक अमानत होती है. इसका किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह आपके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है. हो सकता है अगर आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड सारे एम्प्लॉयज़ के आपके पास, आपको मालूम होगा कि किस एम्प्लॉई को क्या बीमारी है. ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये अमानत है. इसका आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इट विल डिटरमिन वेदर यू हैव फुलफिल्ड एंड अपहेल्ड द एथिकल वर्च्यू ऑफ अमाना और नॉट. इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास आती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चरिंग है, उसके जो मैनुअल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है इस्लामिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की. आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का इस्लामिक बैंक का, तो ये टाइटल जो है, ये जो पोजीशन और पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो एन अमाना. आपको किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये जो बिजली है, पानी है, इसका आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं. तो ये सब AOFI कोड ऑफ एथिक्स में लिखा गया है कि ये सब अमानत आप लोग कंसिडर करें और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें. कुआ
कुआ ये है कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्ट फील्ड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में क्या कहेंगे, जो भी आपका वर्क एरिया है क्या आप उसमें कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है बेसिकली नॉलेज और स्किल्स, क्या आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं अकाउंटेंसी के अंदर एज एन अकाउंटेंट काम करने के लिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। फिर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, क्या आपके इमोशंस आपके एटीट्यूड और आपका बिहेवियर सही है काम करने के लिए। और तीसरी चीज़ है फिजिकल हेल्थ, आपकी हेल्थ और एनर्जी लेवल्स, अगर आप बहुत जहीन हैं मगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आप काम कैसे करेंगे, और अगर आप काम सही तरह नहीं कर पाएंगे, इंसाफ नहीं कर पाएंगे, अदल नहीं कर पाएंगे तो एथिकल आप कैसे होंगे। तो ये आपको तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है, सिर्फ नॉलेज और स्किल्स की बात नहीं है, आपका रवैया, आपके इमोशंस, आपके एटीट्यूड, इसी तरह आपका हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल्स, ये सब चीज़ें, सब चीज़ों में आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और लास्टली तवासिबिल हक, तवासिबिल हक इज ऑल अबाउट एग्जॉर्टिंग अदर पीपल टूवर्ड्स ट्रूथ, दूसरे लोगों को सच की तरफ और एथिक्स की तरफ बुलाना। ठीक है, दिस वॉज अ थर्ड पॉइंट। अब हम लास्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट, और इसमें बेसिकली चार सिचुएशंस हैं जिसमें आप लोग अपने आप को डेफिनेटली पाएंगे और आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। पहली सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है कि आप एक अनएथिकल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं और दुनिया में किसी को इसका मालूम किसी को मालूम नहीं है, ये सिर्फ आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है, तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं से पैसे चुराए, कोई विटनेस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि आपने चुराए हैं कुछ पैसे और अल्लाह को तो पता ही है कि आपने चुराए पैसे, इस सिचुएशन में आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एओफी कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि पहले तो आप तौबा इस्तगफार करें और आप तहिया करें कि आप ये काम वापस नहीं करेंगे। दूसरा काम ये कि आप रेक्टिफाई करें सिचुएशन को, कि अगर आपने किसी के पैसे चुराए हैं तो आपको वापस करने हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप खुद तो बहुत एथिकल हैं, बहुत लीगल हैं, कोई काम आप गलत नहीं कर रहे, मगर एज एन मैनेजर देर आर मेनी सबऑर्डिनेट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु आर रिपोर्टिंग टू यू एंड दे माइट बी इन्वॉल्व्ड इन अनएथिकल एक्टिविटीज, वो लोग गलत काम कर रहे हैं, दूसरे गलत काम कर रहे हैं जो कि आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। और ये सिचुएशन बड़ी बड़ी सीरियस है, जस्ट थिंक अबाउट इट। If you are the CEO of an organization and thousands of employees are reporting to you, whether directly or indirectly, will you be held liable and accountable for unethical actions of employees working maybe in different branches in different cities? The answer provided by the Code of Ethics is yes, you will be held accountable unless you can use due diligence defense. If you can use due diligence defense. अब ये due diligence defense क्या है? Due diligence defense is basically, अगर आप ये कह सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने checks and balances और controls अपनी तरफ से इंस्टॉल किए हैं, यानी कि पॉलिसी सही से बनाई है, आपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं कि गलत काम कोई ना हो, और फिर भी उसके बावजूद कोई गलत काम होते हैं, देन यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल एंड अकाउंटेबल। मगर आपकी पॉलिसीज भी गलत हैं, आप लोग मतलब एज अ सीईओ या एज अ मैनेजर यू डोंट इवन केयर वेदर पीपल आर इन्वॉल्वड इन मिस सेलिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड यू जस्ट लेटिंग इट गो, एंड इवन इफ समबडी टेल्स यू दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग यू डोंट रिस्पॉन्ड टू इट, यू डोंट एस्केलेट द मैटर, यू डोंट resolve the issue, then it means that you cannot use a due diligence defense and you will be held liable and accountable for the unethical actions and wrongdoings of other people. Teesri situation ye ho sakti hai ki aap koi confirmation chahiye ki jo aapne decision liya hai ki ethically defensible decision hai ya nahi. Time kitna reh gaya? Do se char hai, right? तीसरी सिचुएशन में यू वांट टू कंफर्म दैट द डिसीजन दैट यू हैव मेड इज एन एथिकली डिफेंसिबल डिसीजन, तो ये भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ 19 एक्सप्लेन्स हाउ यू कैन कंफर्म दैट द डिसीजन दैट यू हैव मेड इज एन एथिकली डिफेंसिबल वन। पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो अदल एंड एहसान इक्वेशन की हमने बात की थी,
that you need to have the right intention, you must do the right thing, you must do the right thing in the right manner, you must engage with others positively. Kya aap ye sari requirements fulfill karte hain ya nahi karte hain? Dusri cheez, maintain the hierarchy of interest. And this is very important. This is very important. Isme ye ka, achha, by the way, it's mentioned over here. Isme 5-6 interest ke baare mein baat ki gayi hai. Ek to hai public interest. Ek hai Islamic finance profession ya industry ka interest. Ek hai customer ka interest, employer interest, aur self interest. Aapka apna personal interest. To ek hierarchy create ki gayi hai. कि आपका इंटरेस्ट सबसे आखिर में होगा, उससे ऊपर एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट होगा, उससे ऊपर कस्टमर का इंटरेस्ट होगा, उससे ऊपर इंडस्ट्री का इंटरेस्ट होगा, उससे ऊपर सोसाइटी का या पब्लिक का इंटरेस्ट होगा। तो कभी किसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो जाए तो आपके किस कौन सा इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है, आपको एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है। इसी तरह अगर कस्टमर का इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो जाए तो आपको किसका इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है, आपको कस्टमर का इंटरेस्ट अपहोल्ड करना है, एम्प्लॉयर का नहीं। ठीक है, ये दूसरी चीज का आपने ख्याल रखना है। तीसरी चीज, यू कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स, यानी कि आप मशवरा लें सही लोगों से जो कि आपको सही इंफॉर्मेशन, सही एडवाइस दे सके। और चौथा है रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट, जो भी आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं एक डिसीजन की तरफ आने के लिए, उसको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें और सेफ कीप करें फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है। चौथी सिचुएशन और आखिरी सिचुएशन और आखिरी पॉइंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ये कि अगर आप इस सिचुएशन में आए कि आप एक विटनेस बने एक अनएथिकल एक्ट का जो कि किसी और ने किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दोस्त पेटी कैश से कुछ पैसे चुराता है, ठीक है, या फिर कंपनी रिसोर्सेज का मिसयूज करता है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इसके दो लेवल्स हैं। फर्स्ट इज यू मस्ट कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। पहली चीज ये है कि आप ये कंफर्म कर लें कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो कि आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं, ये वायलेशन, क्या ये एथिकली डिफेंसिबल डिसीजन है? और ये पिछली साइड में अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरी चीज, फाइंड द रेफरेंस ऑफ द वायलेशन, यानी कि जो वायलेशन हुई है आप वो डेफिनेट फाइंड करें उसका रेफरेंस नंबर क्या है, किस पॉलिसी के अंदर, किस कोड के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि फला चीज जो है वायलेशन है, यू हैव टू बैक इट अप विद अ रेफरेंस नंबर टू अ पर्टिकुलर law of the land, to the policy of the Islamic financial institution, maybe to the code of ethics itself. Teesri cheez hai, you must gather proof and evidence. Okay, baaz baar documentary evidence hasil karna bahut mushkil ho jata hai. Kya aapne personal hunches aur intuition ke upar 2 + 2 = 4 mila kar kya aap hunches kar sakte hain? To code of ethics kehta hai ki certain situations mein aap ye bhi use kar sakte hain as a proof. Aur chauthi cheez hai, you must seek advice on reporting process. रिपोर्टिंग प्रोसेस और प्रोटोकॉल आपको देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह इस मैटर को एस्केलेट करना है। ठीक है, ये आपकी हो गई ड्यू डिलिजेंस। द सेकंड पार्ट इज नाउ यू नीड टू रिपोर्ट द वायलेशन, और इसमें आपने देखना है क्या वायलेशन फाइनेंशियल इन नेचर है या नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि पैसे का नुकसान है, पैसा इन्वॉल्व है इसमें या नहीं है। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो एथिकल वायलेशन को आप एस्केलेट नहीं करेंगे, आप उस थर्ड पार्टी से डायरेक्टली बात करेंगे और उसको समझाएंगे कि जो काम किया है वो गलत है। अगर वो नहीं मानता तो आप एक आर्बिट्रेटर भी बीच में ला सकते हैं उसकी मर्जी का और उसकी हिमायत के साथ। लेकिन अगर वायलेशन फाइनेंशियल इन नेचर है तो आपको परसू करना है फॉर्मल रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको एस्केलेट मैटर करना है। ये नहीं हो कि आप उससे थर्ड पार्टी से आप पर्सनली डिस्कस कर रहे हो मामला। यू हैव टू एस्केलेट द मैटर टू द रेलिवेंट अथॉरिटी, और इन सर्टन सिचुएशंस यू हैव टू ब्लो द व्हिसल एज़ वेल। ये थे एथिक्स प्रोटोकॉल एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब हम वायलेशंस की बात करते हैं। अच्छा, इस वायलेशंस में हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको कैसे मालूम होगा कि आप एरिया ऑफ जुल्म में हैं। ये बात आपको बताई जा रही है पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपको कुछ लिस्ट ऑफ वायलेशंस दी गई है। अगर आप वायलेशंस में इन्वॉल्व हैं, इट मींस यू आर इन द एरिया ऑफ जुल्म। और पार्ट सी के अंदर हमने कुछ आइडियल्स बताए। अगर आप इन आइडियल्स को परसू करते हैं तो इट मींस दैट यू आर इन द एरिया ऑफ जुल्म। और ये लाइन ऑफ अदल जो है हमने पार्ट ए के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आप लाइन ऑफ अदल में। तो लेट्स डिस्कस पार्ट बी एंड पार्ट सी टुगेदर नाउ। अच्छा, हमने ये किया है कि हमने 6 एथिकल वर्च्यूज हैं, तकवा, तवक्कुल, सिद्क, अमाना, कुवा, तवासी बिल हक। हर एथिकल वर्च्यू की हमने जुल्म भी बताया और उसका एहसान भी बताया।
ओके अच्छा, मैं ऑब्वियसली डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप लोग को जब कोड मिल जाएगा तो आप खुद पढ़ सकते हैं, इट्स प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसी तरह तवक्कुल के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ वायलेशंस हमने आइडेंटिफाई किए और कुछ लिस्ट ऑफ आइडियल्स हमने प्रिस्क्राइब किए। यू मस्ट अवॉइड द वायलेशंस एंड परस्यू द आइडियल्स। सिद्ध के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस सेलिंग है, और इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब सिचुएशन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन वायलेशन हुई है या नहीं हुई है। ओके एक बजने वाला है। ओके अच्छा, मिस रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर आप किसी को गलत बयानी के ऊपर इनकरेज करें कि एक फैसला ले और उस फैसले के नतीजे उसका फाइनेंशियल लॉस हो, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो पहली चीज, इसमें चार चीजें आपने देखनी है। पहली चीज ये कि रिप्रेजेंटेशन हुई या नहीं हुई, यानी कि मैंने कुछ कहा या नहीं कहा। कहना जो है मैं वर्बली भी कह सकता हूँ, मैं राइटिंग में भी कह सकता हूँ, और मैं साइलेंस से भी कह सकता हूँ कि बार बार ना कहे मैं बहुत कुछ कह जाता हूँ, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन है। अगर रिप्रेजेंटेशन हुई नहीं, अगर मैंने दूसरे आदमी को कुछ कहा ही नहीं, इनकरेज ही नहीं किया कि कोई फैसला ले, तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। अगर मैंने ऐसी बात कुछ की है तो फिर आपको दूसरी चीज देखनी है, क्लेम। क्लेम के अंदर ये देखना है जो मैंने क्लेम किया, जो मैंने कहा है, क्या वो सच है या झूठ है। अगर जो भी मैंने कहा है सच है और उसके बावजूद आपका फाइनेंशियल लॉस होता है तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर वो झूठ है, और झूठ के भी बहुत डायमेंशंस हैं, एक तो ये है कि आउटराइट मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सूरज निकला हुआ है और मैं कहूँ कि रात हो रही है, ये दिस इज ब्लेटेंट लाई। एक है हाफ ट्रूथ, यानी कि 50% सच है 50% झूठ है। एक है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो आज सच है मगर वो कल झूठी हो जाएगी, और मैं क्लाइंट को अपडेट भी नहीं करूं इस बात का कि जब बात झूठी हो जाए, गलत हो जाए, और मैं क्लाइंट को अपडेट भी ना करूं। एक और तरीका यह है कि मैं ऐसे बात करूं कि मैं अपनी तरफ से तो ओपिनियन बता रहा हूं लेकिन दूसरी तरफ से उसको एज अ फैक्ट ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह यह भी हो सकता है कि मैं झूठी प्रिडिक्शंस करूं, कुछ कस्में खाऊं कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कि अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये फायदा होगा। अब आप ये पर्सनल प्रॉमिस दे रहे हैं, दूसरी तरफ से वो लीगल प्रॉमिस अज्यूम कर रहा है, तो ये सब डिफरेंट डायमेंशंस हैं कि सर आप झूठ बोल सकते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको तीसरी चीज़ देखनी है, ड्यू डिलिजेंस। और इसमें आपने ये देखना है कि क्या ये ऑनेस्ट मिस्टेक है या फिर ग्रोस नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि बार बार आप गलती से, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना था 100 और आप लिख देते 1000, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है। अगर ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये ग्रोस नेग्लिजेंस है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में इनसाइड आउट पता होना चाहिए, किस तरह फंक्शन करते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, और आपको नहीं मालूम और आप इसको बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, दिस इज ग्रोस नेग्लिजेंस एंड इनकॉम्पिटेंस। अगर ये है तो फिर आपको चौथी चीज देखनी है कि फाइनेंशियल लॉस कस्टमर का हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और उसमें देखना है कितना लॉस हुआ। अगर ट्रिवियल हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ, तो दिस इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर 10,000 का, 10 लाख का लॉस हुआ, तो दिस इज डेफिनेटली मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस चेक पोस्ट के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मिस रिप्रेजेंटेशन वायलेशन हुई है या नहीं हुई। मिस सेलिंग इज पार्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके वी हैव आबिद हाशमी साहब, इज रेजिंग हिज हैंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग। Is it possible for him to speak? Two, three questions as well in the Q&A section. Okay, so let me quickly finish this and then we'll come to concept checkers. Usse pehle phir wo questions we resolve kar lenge. Acha, mis-selling, chunke it's part of misrepresentation, I'll not talk about it. Now, Amana ki kuch violations hain aur kuch ideals hain. वायलेशंस बहुत सारी हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इसराफ है, ब्राइबरी है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, बैकबाइटिंग, डेटा थेफ्ट और नॉट डिस्क्लोजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और हम जल्दी से ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसराफ क्या चीज़ है? क्या आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो आप इसराफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोड ऑफ एथिक्स ने इसका भी जिक्र किया है। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि क्या चीज़ आप जो खरीद रहे हैं वो परमिसिबल है या इनपरमिसिबल है फ्रॉम द आईज ऑफ शरिया एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ लैंड। अगर वो इम्परमिसिबल है तो इसराफ है, चाहे आपने 10 रुपए भी खर्च किए उस चीज पे। अगर वो परमिसिबल है तो आपने दूसरी चीज देखनी है, मोटिवेशन। आप क्यों खरीद रहे हैं इस चीज को? इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आप शो ऑफ करें, आप बोस्ट करें,
आप एरोगेंट हो, आप कॉम्पीट करें विद अदर्स, भाई तुम्हारे पास ये गाड़ी है तो मेरे पास ये गाड़ी है, तुम्हारे पास इस मॉडल का आईपैड है तो मेरे पास इस मॉडल का आईपैड है। अगर तो ये आपकी सोच है, मोटिवेशन है, तो ये श्राफ है। मगर अगर आप एक नेसेसरी चीज खरीदने जा रहे हैं तो फिर आप तीसरी चीज देखें, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं, क्या जो 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 नीड आप फुलफिल कर रहे हैं, क्या उससे बढ़ के कोई नीड है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए है, या तो आप सेहत पे लगा सकते हैं या फिर आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आपको भूख बहुत लग रही है, तो दोनों नीड्स हैं, दोनों लेजिटिमेट नीड्स हैं। कहाँ पर आपको स्पेंड करना चाहिए, या आप भी सोच सकते हैं, द आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है। अगर तो अनअसेप्टेबल है तो ये इसराफ है, अगर एक्सेप्टेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो फिर आपको चौथी चीज देखनी है, यूटिलाइजेशन। जो चीज आप खरीद रहे हैं उसका पार्शियल यूज करेंगे या फुल यूज करेंगे? क्योंकि अगर आप लैपटॉप यूज कर खरीद रहे हैं i7 और आपको काम करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जो कि i3 पे हो सकता है, तो आप ये 20-30 हज़ार रुपए i7 के लिए क्यों खरीद रहे हैं? और फ्यूचर में भी आपने ये फुल यूटिलाइजेशन उस लैपटॉप की नहीं करनी है, तो ये इसराफ है अगर आप पार्शियल यूज करते हैं। अगर आप फुल यूज करते हैं तो फिर आखिरी चीज आपने देखनी है, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, डज दे रेकन वेदर इट इज एन एक्सेसिव स्पेंड और अ मॉडरेट स्पेंड? अगर एक्सेसिव स्पेंड है, अगेन दिस इज हाईली सब्जेक्टिव, हाईली सब्जेक्टिव। जब मैं ये चेक पोस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कीप इन माइंड दैट द आउटकम एट द एंड ऑफ इट इज नॉट 100% going to be correct. You have to apply your own logic and reason to understand whether a given situation has given birth to a certain violation or not. But this gives you a framework on how to understand different violations. Okay, just keep that in mind. आप प्लीज ये मत कीजिएगा कि ये नेसेसरी अननेसेसरी है, ये एक्सेप्टेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, जस्ट इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क। ओके, ब्राइबरी। अगर आपको कोई शख्स तोहफा देता है, क्या वो ब्राइबरी है? आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपने चार चीजें देखनी है। पहली चीज इंटेंशन, आपने ये देखना है कि जो शख्स आपको तोहफा दे रहा है उसकी नीयत क्या है, क्या वो आपसे कोई काम इसके बदले लेना चाहता है? अगर वो क्लियर कट लेना चाहता है तो दिस इज ब्राइबरी। अगर आपको नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या है तो फिर आप दूसरी चीज उसकी वैल्यू देखें, गिफ्ट की वैल्यू देखें। अगर तो वो नॉमिनल गिफ्ट है, एक पेन दे रहा है, डायरी दे रहा है, छोटी सी चीज जैसे कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स में आपको मिलती हैं, प्रमोशनल आइटम्स, एडवर्टाइजिंग आइटम्स, तो ये आप ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको आईपैड कोई दे रहा है, कोई स्मार्ट वॉचेस दे रहा है, कोई आपको i7 के लैपटॉप्स दे रहा है, मैकिंटोश दे रहा है, व्हाटएवर, तो दीज आर मटीरियल इन वैल्यू। तो फिर आपको तीसरी चीज देखनी है कि इसकी टाइमिंग क्या है, इस गिफ्ट की टाइमिंग क्या है। अगर ये ट्रांजेक्शन से पहले है तो क्लियर कट वो इसलिए दे रहा है ताकि ये ट्रांजेक्शन हो सके। अगर ये ट्रांजेक्शन के बाद है, जब सारी डील क्लोज हो चुकी है और फिर आपको तोहफा दे रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत बिल्कुल सही है। तो अगर तो ये रिलेटेड है ट्रांजेक्शन से, तो दिस इज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज प्राइमरी। इफ इट इज अनरिलेटेड देन यू गो टू द नेक्स्ट चेक पोस्ट। और आखिरी चीज आपने देखनी है कंडीशन, क्या आपको एक कंडीशन लगाई है उसने एज अ गिफ्ट देने की? आपको जो गिफ्ट दे रहा है उसके साथ कोई कंडीशन लगाई है कि आपको यही काम करना है या वो काम करना है, या फिर आपने कोई जो गिफ्ट दिया गया है इसको आपको सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है? अगर आपको ये सीक्रेट रखना है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो क्लियर कट आप, दिस इज ब्राइबरी, यू हैव टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एज अ गिफ्ट। वरना यू कैन एक्सेप्ट द गिफ्ट, बट यू हैव टू टेक इन कॉन्फिडेंस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड गेट अ रिटन प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम देम। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। Insider trading, आपके पास एक information आती है किसी company की और आपको decide करना है कि आप क्या वो information use कर सकते हैं और उस company के stock में invest कर सकते हैं और उसे profit कर सकते हैं नहीं। तो इसमें तीन चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले, क्या आपके पास जो information आई है public information है या non-public information है? अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर न्यूज़लेटर पे, हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड विद दैट इंफॉर्मेशन, दैट वुड नॉट बी इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको दूसरी चीज देखनी है, मटीरियलिटी, यानी कि उस इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इफ यू फील दैट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल गो अप और डाउन बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको तीसरी चीज देखनी है कि व्हाट, हु इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली।
अगर ये इन्फॉर्मेशन एक इनसाइडर बंदे से मिली है, फॉर एग्जांपल आप अल बरका की इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हैं सीएफओ से, तो ऑब्वियसली ही नोज एवरीथिंग, तो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप गली के धोबी से आप को आपको बात पता चलती है अल बरका के बारे में, दिस ही इज एन आउटसाइडर, अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो मे बी यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर इनसाइडर बंदा है, डेफिनेटली दैट वुड बी इनसाइडर ट्रेडिंग, यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। बैकबाइटिंग, आपको किस तरह पता चलेगा कि आप बैकबाइटिंग कर रहे हैं? सबसे पहली चीज आप ये देखें कि जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो ये बैकबाइटिंग नहीं है। अगर नेगेटिव बात है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फला शख्स छूटा है, चोर है, धोखेबाज है, तो ये नेगेटिव बात है। अगर वो नेगेटिव बात है तो फिर आपको दूसरी चीज देखनी है कि कौन किस से आप ये बात कर रहे हैं। एक तो ये कि आप उसी बंदे से आप बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन से आप बात कर रहे हैं। तो अगर उसी के मुंह पे आप बता रहे हैं कि तुम झूठे हो, तो दिस इज नॉट बैक बाइटिंग। लेकिन अगर आप तीसरे बंदे से बात कर रहे हैं, फिर आपको ये देखना है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर आप जो कह रहे हैं किसी के बारे में वो झूठ है, तो दिस इज स्लैंडर बट नॉट बैक बाइटिंग। ओके, स्लैंडर इज अनदर वायलेशन ऑफ द एएफई कोड ऑफ एथिक्स, वो भी गलत है, गैर इखलाक की बात है ये। अगर आप सच बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि फला शख्स झूठा है और वो वाकई झूठा आदमी है, तो फिर आपको चौथी चीज देखनी है कि आप क्यों ये कह रहे हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि आप सामने वाले बंदे को आगाह कर सकें, उसको उसको बता सकें कि आप इसके साथ, फला शख्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन ना करें क्योंकि वो झूठा है, ईमानदार आदमी नहीं है, वो आपको नुकसान देगा, तो ये बैकबाइटिंग नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि आपको मजाक उड़ाना है दूसरे बंदे का, और ये रिवेंज लेना है, और गुस्से में और जेलसी के अंदर अगर आप ये कर रहे हैं, तो दिस इज बैकबाइटिंग। ओके, डेटा थेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वायलेशन। अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, और जाहिर सी बात है आप पूरे का पूरा अपना डेटा लेकर साथ जाते हैं ताकि आप वहां यूज कर सकें, आप स्क्रैच से तो वहां पे स्टार्ट नहीं करते, क्या वो डेटा थेफ्ट के अंदर आता है या नहीं आता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर। इसमें तीन चीजें आपने देखी है। सबसे पहले, क्या आप ऑथराइज हैं वो डेटा एक्सेस करने के लिए या नहीं, ठीक है? अगर आप ऑथराइज हैं तो दिस इज नॉट डेटा थेफ्ट। By and large, this is not data theft because the IFI has already authorized you to access that information or that data. अगर unauthorized है या फिर authorization clear नहीं है, तो फिर आपको दूसरी चीज देखनी है, data type, उसका nature क्या है, क्या वो paper form में और electric form में या फिर उसके अलावा। तो paper और electric form में है और आप लेके जा रहे हैं, तो maybe this might be data theft. Okay, you have to see the third thing. लेकिन अगर आप ऐसी चीज लेके जा रहे हैं, ना वो पेपर फॉर्मेट में है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, स्किल्स, इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस, आपकी रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें ना तो पेपर फॉर्मेट में है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अगर ये आप नए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नए एम्प्लॉयर के पास लेके जा रहे हैं, तो फिर ये डेटा थेफ्ट नहीं है। लेकिन अगर पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो फिर आपको तीसरी चीज देखनी है, क्या ये जो चीज आप लेके जा रहे हैं, इज दिस पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपने ये बनाई थी, या उसके अलावा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि आप प्रोडक्ट क्रिएट करें, डेवेलप करें, और आप वो लेके जा रहे हैं, तो ये डेटा थेफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक ऐसी चीज बनाई जब आप ऑफिस में काम कर रहे थे, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं थी, आप मार्केटियर थे और आप बैठ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे थे, अगर ये प्रोडक्ट आप अपने नए आईएफआई के पास लेके जाते हैं, नए एम्प्लॉयर के पास, सो दिस माइट नॉट बी डेटा थेफ्ट। ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स, चेक पोस्ट यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सिचुएशन हैज गिवन बर्थ टू द वायलेशन ऑफ डेटा थेफ्ट और नॉट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं इग्नोर करता हूं बिकॉज बस अब 20 मिनट ही रह गए। कुआ के अंदर भी एग्जैक्टली हमने इसी तरह कुछ वायलेशंस लिस्ट किए हैं, कुछ आइडियल्स लिस्ट किए हैं, एंड इट्स बेटर दैट यू रीड इट फॉर योरसेल्फ, यू हैव अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। सिमिलरली फॉर तवासी बिल हक, वी हैव यूज द सेम अप्रोच, वी हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ वायलेशंस एंड अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट चेकर्स, बट बिफोर आई डू दैट, आई बिलीव यू हैव फोर क्वेश्चंस।
So first of all is from Brother Rafiq. He is asking, ethical values are linked with the society in which one lives, isn't it? Actually, not necessarily. Agar society ke andar riba ko ethical samjha jaye, to kya wo ethical ho jayega? Nahi hoga. Isi tarah alcohol consumption ko agar wo ethical samjhe, to kya ethical ho jayega? Nahi hoga. Isi tarah gambling ko अगर एथिकल समझे, और कुछ बहुत ही घटिया बिलो द बेल्ट एंटरटेनमेंट होती है इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, जो नेटफ्लिक्स पे और डिफरेंट डिज्नी प्लस और ओएसएन प्लस और इन सब चैनल्स पर आती है, क्या वो देखना अगर सोसाइटी समझे कि ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड एंटरटेनमेंट के नाम पर हम देख सकते हैं, उसको वो जायज समझे, एथिकल समझे, तो क्या वो होगा? नहीं होगा. तो एथिक्स हैज टू बी डिफाइंड. वैसे तो एथिक्स, हु डजंट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हु डजंट नो दैट वी नीड टू फुलफिल आवर ट्रस्ट, हु डजंट नो दैट वी मस्टन्ट लाई चीट स्टील डिसीव और हर्ट एनी अदर पर्सन, हु डजंट नो दैट वी मस्ट बी फॉरगिविंग एंड लविंग एंड मर्सीफुल टू अदर्स, स्पेशली दोज हु आर वीकर देन अस. दीज आर द एथिकल वैल्यूज विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस, बट दे आर सर्टन एथिकल वैल्यूज विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, लाइक इसराफ. Israf, I believe, it has no concept in the conventional secular ethics world. Similarly, the concept of dressing, iska bhi a different understanding at different societies. So you cannot say that whatever society establishes as ethical is ethical. Dusra question hai, Faiz Kul Awan sahab ka, ki is line of adl a constant? Doesn't it move more or less according to the morals of the society? Again, it will not move according to the morals of the society, but will move according to the position of the person, the authority and the resources disposal at his disposal, and the circumstances that he find himself in. Jaise maine aapko example ki di ke CEO ke paas authority bhi hai, power bhi hai, to obviously wo policy ko change kar sakta hai. So uski line of adl bahut upar hogi. His minimum benchmark will be to change the policy. If he decides to just speak against the policy, then he has not achieved adal. Jabki ek staff member, obviously he cannot change the policy, but he can speak against it. Sometimes he cannot even speak against it. So at least dil mein to uske bura bala kehna hai. To uski line of adal, uski requirement, minimum requirement bahut niche hogi. But it has nothing to do with the morals of the society. Third question, Muhammad Nadeem, Naeem Saab, taking personal prints from office printer is unethical. Technically speaking, yes, of course it's unethical unless express permission has been given by the management of the Islamic financial institution. Having said that, jab hum log ye physical interviews kar rahe the, to kafi log ne ye kaha tha ki hum log business phone use karte hain apni personal family ko call karne ke liye, apne maa baap ko call karne ke liye, apni biwi ko, bachcho ko call karne ke liye, but this is acceptable. Aur ye management bhi samajhti hai ki kuch cheeze jaise laptop ho gaya, printing ho gaya, personal use ke liye bhi hoga, magar iska bhi ek level of usage hota hai. ये ना कि आप 1000 पेज की पूरी बुक बच्चों की प्रिंट कर रहे हैं कंपनी के प्रिंटर यूज करके, दैट ऑब्वियसली इज अनएथिकल. मगर आप एक पेज अगर यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के, दैट ऑब्वियसली इज नॉट अनएथिकल. प्लीज इस्लामिक इंश्योरेंस, ब्रीफ इस्लामिक इंश्योरेंस. सॉरी, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया. लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट चेकर्स. ओके, सो मैं इसमें सिनेरियो पढ़ूंगा और आपको बताना है कि विच ऑफ द थ्री ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग अ मेंबर प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक अबाउट एन एम्प्लॉई एंड रेकमेंड्स हिम फॉर प्रमोशन. मिस्टर एक्स द सीईओ रिस्पॉन्ड्स, सिंस यू आर गारंटीइंग हिज परफॉर्मेंस, आई वुड लाइक टू गो बाय योर रिकमेंडेशन. सो ऑप्शन ए इज, मिस्टर एक्स इज इन वायलेशन ऑफ द कोड बिकॉज ही कंप्लीटली रिलाइड ऑन अ सिंगल मेंबर फॉर द प्रमोशन डिसीजन ऑफ एन एम्प्लॉई विदाउट सीकिंग द एडवाइस ऑफ द अदर्स. सो बेसिकली सीईओ ने एक बंदे के ऊपर डिसीजन ले लिया कि फला शख्स को प्रमोट करना है और बाकी 10 लोग की बात सुनी नहीं. ऑप्शन बी इज इन वायलेशन ऑफ द कोड बिकॉज ही एक्सेप्टेड द गारंटी ऑफर्ड बाय द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉईज फॉर द परफॉर्मेंस. ऑप्शन सी इज, मिस्टर एक्स हैज नॉट वायलेटेड द कोड बिकॉज इट्स अ फेयर डिसीजन टेकन एंटायरली विद इन द स्कोप ऑफ पावर्स इंट्रस्टेड विद हिम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. So what do you think is the correct answer? I'm starting the class point, whatever you call this. You have 1 minute to answer the question. Uh,
अच्छा, इसके बाद 1 मिनट के बजाय हम लोग 30 सेकेंड्स देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनर्स कॉन्सेप्ट चेकर्स हम लोग कर सकें। तो बस मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। सो मोर और लेस 67% ऑफ द पीपल आर सेइंग ए इज द करेक्ट आंसर। सो इज ए द करेक्ट आंसर? Actually, B is the correct answer. देखें, मशवरा लेना हर किसी का ये तो फर्ज नहीं है, राइट? अगर मैं किसी शख्स का मशवरा नहीं लेता तो क्या ये अनएथिकल काम किया मैंने? As a CEO of the organization, I have the authority vested in me by the board of members and the shareholders to take decisions, unanimous decisions. ठीक है, अच्छी बात ये होगी कि मैं सबको मशवरा लेके करूँ, सबको साथ लेके चलूँ, मगर this is not an unethical act. B is the violation. और आप गौर से इसको पढ़ें और देखें, CEO ने क्या respond किया? Since you are guaranteeing his performance, I would like to go by your recommendation. सवाल ये है कि member ने कब guarantee की थी performance की? ये तो बात हुई नहीं थी। मेंबर ने सिर्फ ये कहा था, एक पॉजिटिव फीडबैक दिया था कि वो काम बहुत अच्छा करता है और वो रेकमेंड कर रहा है कि इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। ये तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं गारंटी करता हूं कि वो जो काम करेगा सही करेगा। आई मीन दिस इज पुटिंग वर्ड्स इन अदर पीपल्स माउथ, दिस इज द वायलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, बी जो है किसी ने भी नहीं कहा, विच इज वेरी स्ट्रेंज। कॉन्सेप्ट चेकर नंबर टू, मिस्टर एक्स इन ऑर्डर टू सिक्योर अ वोट आस्क्ड अ कोलीग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग फॉर एन ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन विच ही इंट्रोड्यूसेस टू हिम एज अ ब्रिलियंट प्रपोजल डेवलप्ड बाय द सीईओ। इन हिज माइंड ही इज एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल ओपिनियन। Option number A is Mr. X is in violation of the code because he is leading the colleague to agree to something without him realizing it. Option B is Mr. X is in violation of the code because he is not neutral in his expectations of the opinions of the colleague. If you see the scenario, in his mind he is expecting a favorable opinion, so he is not being neutral. Option C is Mr. X has not violated the code. So I'm starting the quiz and I'll give you 30 seconds to respond. Ten seconds left. Okay, that's it. I got 10 responses and it's a 50-50 divide response. So some of you are saying B is the correct answer while the other half is saying C is the correct answer. And the correct answer actually is A. Can you imagine? A is the correct answer. अब इसमें देखें क्या हो रहा है। एक शख्स है मिस्टर एक्स और वो एक कुलीग के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे अपना एक पर्सनल ऑनेस्ट सही ईमानदार हक और हक के साथ एक ओपिनियन दो इस प्रपोजल के ऊपर जो कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, जबरदस्त है, जहीन है, जो कि हमारे सीईओ साहब ने बनाया है। ठीक है, और अपने जहन में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी कहेगा कि वाह क्या क्या प्रपोजल है, ऐसा तो कोई प्रपोजल लिख ही नहीं सकता। इशू क्या है? वायलेशन ये है कि यू आर लीडिंग द कोलीग टू अग्री टू समथिंग विदाउट हिम रियलाइजिंग इट। अगर आपको वाकई एक न्यूट्रल ओपिनियन उसका लेना है तो आप उसको कहें ये प्रपोजल है, मुझे ओपिनियन बता दें आप। आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि ये सीईओ ने लिखा है और ये इतना शानदार प्रपोजल है और सब पूरी दुनिया जो है वाह कर रही है, आप इतने प्रेशर में जो इसको डाल रहे हैं। जब आप ऑब्वियसली कह देंगे कि ये सीईओ का लिखा हुआ है तो आदमी आगे से क्या कहेगा? यही कहेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, आई एम ऑल्सो फॉर इट, गो हेड। लेकिन अगर आपको वाकई एक ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। सो दिस इज एन अनएथिकल अप्रोच ऑन हाउ टू बेसिकली इंटरेक्ट विद अ कोलीग टू गेट एन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम हिम। A is the correct answer. He's in violation of the code because he's leading the colleague. And okay, आगे चलते हैं। We have 10 minutes left.
Concept checker number three. Mr. X was offered a job by a competitor bank, which he accepted. Okay. There he began to work on the same product he had successfully launched for his previous employer, which was worth millions of dollars. At his new job, he managed to fully recreate and replicate the product from scratch using his photographic memory. However, his former employer accused him of data theft, arguing that Mr. X was using proprietary information. So which of the three options is the correct answer? Option A is Mr. X is not in violation of the code. Option B is Mr. X is in violation of the code because he replicated a product belonging to former employer in favor of a competitor bank, which is a case of data theft. Option C is he is in violation of the code because the knowledge he learned while developing the product was proprietary information of former employer, which could not be used without his prior and express permission. Doing so resulted in data theft. I'll give you 30 seconds to answer this question. Five more seconds. So that's it. तो ज्यादातर लोगों ने सी कहा है 43%. सी इज द इनकरेक्ट आंसर. पांच लोगों ने बी कहा है. बी इज ऑल्सो द इनकरेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट टाइम जो आप समझे आंसर गलत है उसको आप मार्क कर दें कि आंसर सही है, बिकॉज दिस इज अपेरेंटली व्हाट्स हैपनिंग. आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. अब मैंने तो वैसे ऐसे ही किया था लेकिन फिर भी जो है वो इनकरेक्ट हो गया. अच्छा ओके. Is an incorrect answer because आपको याद होगा मैंने कहा था पेपर और इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी. अगर आप कोई चीज पेपर और इलेक्ट्रॉनिक, एक कंप्लेंट आ रही है और ये बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं भी यही फेस कर रहा हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन वाला है स्लाइड वो नहीं चेंज हो रही. ठीक है क्वेश्चन जी. सॉरी मैं समझा नहीं. आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मेरा कॉन्सेप्ट चेकर नंबर वन. कॉन्सेप्ट चेकर नंबर वन आ रहा है जी? आ रहा है, जबकि ये थ्री होना चाहिए. और ये क्योंकि मैं समझ रहा था मेरे प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभी मुझे दूसरी मैंने देखा है चैट बॉक्स में, तो वहां पर भी सेम कंप्लेंट की जा रही है. जानिया ने कहा अच्छा? ओके मैं फिर वापस से अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूं. मूव नहीं कर रही जी. मैं प्रेजेंटेशन की नहीं बात कर रहा, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं. ओ क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं जी. अच्छा चलें ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट चेकर नंबर फोर देखता हूं उसमें क्या सूरत हाल रहती है. तो मैं थ्री की बात कर रहा था. आपकी स्क्रीन पे ये कॉन्सेप्ट चेकर नजर आ रहा है राइट? यस. ओके ए इज द करेक्ट आंसर. वो इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा डेटा थेफ्ट में मैंने बात की थी कि अगर पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज़ है तो आप अपने नए एम्प्लॉयर के पास नहीं लेके जा सकते. लेकिन अगर जो चीज़ आपने सीखी है 10 साल काम करने की एक बैंक के अंदर, वो ऑब्वियसली आप लेकर जाएंगे. जो स्किल्स आपने डेवलप किए हैं वो ऑब्वियसली लेकर जाएंगे. जो रिलेशनशिप्स आपने डेवलप किए हैं वो आप छोड़ तो नहीं सकते, वो आप साथ लेकर जाएंगे. तो इधर भी वो अपनी एक फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि अपनी नॉलेज और स्किल सेट यूज करके एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है जो कि उसने पहले भी क्रिएट किया था, लेकिन अपनी मेमोरी से कर रहा है, अपनी नॉलेज और स्किल से कर रहा है. तो इसमें डेटा थेफ्ट नहीं है. आप कुछ और उसके ऊपर वायलेशन लगा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो कॉपीराइटेड हो, तो इसलिए नहीं कर सकता, मगर ये डेटा थेफ्ट नहीं है. ठीक है कॉन्सेप्ट चेकर नंबर फोर एंड आई होप यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन. सो वी हैव मिस्टर एक्स. He is an accountant and is proudly boasting his ability to manipulate financial statements and is confident that no audit in the world can discover or expose his creative ways. He tells of how he corrupted the financial statements when he used to work at conventional financial institutions in the past. His colleagues praise him for his ingenuity.
यानी कि वो एक मिस्टर एक्स अकाउंटेंट है और वो बहुत फखर से बता रहा है कि मैं जब कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करता था तो मैं बहुत ज्यादा जबरदस्त अर्निंग्स मैनेजमेंट करता था, मैं मैनिपुलेट करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और दुनिया का कोई आदमी मुझे पकड़ नहीं सकता था। दिस इज द सिचुएशन। ऑप्शन ए इज मिस्टर एक्स इज इन वायलेशन ऑफ द कोड फॉर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड फॉर पब्लिकली बोस्टिंग। ऑप्शन बी इज मिस्टर एक्स इज इन वायलेशन ऑफ द कोड फॉर मास्टरिंग डिफरेंट वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। And option C is Mr. X is in violation of the code for being shameless. अच्छा अब मैं अब मुझे आप बताइएगा कि आपके Fran, once again, जो आपकी application है class point application, ये उसमें change नहीं हो रहा, आपकी presentation तो नजर आ रही है, लेकिन जो class point application है उसमें ये चीज change नहीं हो रही, question नहीं आ रहा। अच्छा अब देखें आप, अब आपको कॉन्सेप्ट चेकर पूर्ण चॉइसेस आती हैं, चॉइसेस आ रही हैं, लेकिन वो जो आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेकर वन है बस वहां पे स्टक, ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास ऑप्शन आई है, मैं इसको पिक करने लगा हूं ऐसे ही बगैर सोचे समझे और ये मैंने सबमिट किया, जी बिल्कुल यहाँ पर चेंज भी हुआ, तो ऑप्शन मुझे आ रही है लेकिन कहीं पर स्टक हो गए। But anyways, अच्छा ठीक है, टाइम इतना शॉर्ट है कि इसको कंक्लूड करें। ठीक है, सही है, सही है। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट चेकर देखें अपनी स्क्रीन पे जो कि वेबिनार जूम पे आप देख सकते हैं, और जब आप आंसर कर रहे हो एबीसी तो आप ये क्लास पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस वक्त ज्यादातर लोग 50% लोग बी कह रहे हैं, 40% लोग सी कह रहे हैं इसका आंसर। आई होप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आंसर्स, ये कॉन्सेप्ट चेकर नंबर 4 की बात हो रही है। अच्छा इसका करेक्ट आंसर है सी। उसकी वजह ये है कि कभी भी पब्लिकली आप अपनी खराबी बयान ना करें, अपना अपना इलीगल काम जो आपने किया हो या अनएथिकल काम किया हो ये इस तरह पब्लिकली आप डिस्कस नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वायलेशन ऑफ द एओपी कोड ऑफ एथिक्स, दिस इज एन अनएथिकल एक्टिविटी। ठीक है, बी जो है गलत काम है, गलत आंसर है और इसको समझने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड के मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड ब्राइबरी कैसे होती है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होते हैं, जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड के फला गलत काम कैसे होता है, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि मैं अनएथिकल हूं अनलेस मैं वो गलत काम करूं। ठीक है, तो इफ मिस्टर एक्स मास्टर डिफरेंट वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज नॉट एन अनएथिकल एक्ट, द अनएथिकल एक्ट वाज एक्चुअली डूइंग द मैनिपुलेशन इटसेल्फ। आई थिंक दिस इज इट, इट्स 1:30 एट माय एंड, वी कैन टेक वन मोर कॉन्सेप्ट चेकर नंबर 5 एंड वी विल क्लोज विद दैट इंशाल्लाह। So we have Mr. X again, and I hope you can see the screen on Zoom, and then you can answer the question using the class point app, A, B, and C, okay? So Mr. Okay. X, he's a senior marketing manager at an Islamic financial institution, and while talking to a local regulator, claimed that the AOFI financial accounting standards intihai bekar hai, koi value addition nahi karti, aur bila wajah ispe waqt zaya kiya jata hai isko banane ke liye. This is what he said. At the same time, he also suggested that the regulator should look into what other jurisdictions have done which do not follow AOFI financial accounting standards. In other words, IFRS ko follow kare, FAS ko follow karne kya zarurat hai. Option number A, Mr. X is not in violation of the code because he is fully entitled to his opinion. Theek hai? Option number B is Mr. X is in violation of the code because he is not fully entitled to his opinion on all matters at all times and is not at liberty to give any advice as he deems fit. Option C is he is in violation of the code because he is questioning the credibility of AOFI, which is one of the leading Islamic finance standard setting infrastructural institutions in the world. Which do you think is the correct answer, A, B or C? So let me start it first. Okay.
Okay, just a couple of seconds more. That's it. Oh, okay. Gee, majority of you, 50% of you are saying C and 30% of you are saying A is the correct answer. The correct answer is B, okay? And only two people said the correct answer. Ab isme true dekhen kya hai. Important point aapko ye jo dekhna hai ki Mr. X is a senior marketing manager. Theek hai? He is a senior marketing manager. And he's talking on what topic? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मार्केटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या ताल्लुक है, उसका क्या लेना देना है? तो यस, ही हैज द राइट टू ओपाइन, ही हैज द राइट टू गिव हिज इनसाइट और हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन सिचुएशन, मगर उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से रिलेट होना चाहिए. मैं शरिया स्कॉलर हूं नहीं, लेकिन अगर मैं फतवा जारी करना स्टार्ट कर दूं, this is unethical. So the issue here is not that he doesn't have the right to make an opinion. He doesn't have the right to make an opinion because he's not qualified for the job. Okay, so B is the correct answer. So that's it from my side. By the way, Zafar Sahab, he got the maximum number of points. I don't know how it works. Okay, he got 40% correct. Sikandar Inam, he also got 40% correct. Ahmed Wasim, he also got 40% correct. And the rest of you. So this is it. Top five, top six. Participants in this webinar. Thank you so much to Nibaf and to all of you for taking the time out, for being here, for participating in this webinar. Jazakallah khair for giving me this opportunity. Inshallah, phir milenge aur phir karenge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Farhan. We are very thankful to you for giving us this understanding of code of ethics. Maybe practice these rules and become role models for everyone, not just in our professional lives, but otherwise as well. From these concept checkers, I believe there is a very fine line jo ke is cheez ko distinguish kar rahi hai. I would also like to take this moment to say thanks to all the participants for joining in. And we will also like to have your feedback and suggestions if you have any for improving your experience in future. We'll also be sharing this presentation with you, as was shared by Farhan, jo ke Waseem sahab aapke saath baad mein kar rahe honge on your email addresses. Thank you very much. And thanks to my team as well. Thank you. Thank you, Ji. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.